today we are going to start solution of simplification exercise A. My dear student, I have a book and now I am going to solve each question from your exercise. First question is short type questions, जो हमारे बुक में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसमें आपका ये दिया हुआ है कि क्या है इन चीजों को. सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब आपको क्या करना, सरलीकरण करना है, सिंप्लीफाई. बुक में ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स के तरह बना हुआ है. मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देता हूँ, इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 से एक एक क्वेश्चन आपको अभी सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा. आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से बना लोगे. तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला चीज ये हमारे सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा DMAS है या बोर्ड मास है. तो ये हमारा DMAS है क्योंकि ब्रैकेट की यूजेस तो हुए नहीं है, तो चलो DMAS के थ्रू हम बना लेते हैं. तो पहला हमारा काम क्या होगा, डिवाइड का, 3 / 5. सपोज करो आप इसको अगर काट देते हो तो अच्छी बात है, यहां से आप काट दो, 3 से 5 टाइम में कट गया. तो चलो डिवाइड का काम करता हूं, 12 + 6 × 5 − 13. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नाउ वी सॉल्व मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई किसके बीच में मल्टीप्लाई है, 6 और 5 के बाद में. तो 12 + 6 = 30 − 30. ओके, अब हमारा मल्टीप्लाई का काम खत्म हो गया. अब हमारा कौन सा होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. ओके, तो 12 + 30 = 42 − 30. हाउ मच इट बिकम 30 में से अगर हम 30 को आप रफ में भी घटा सकते हो, 42 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2, 1. आपके पास बुक में जगह कॉपी नोटबुक में आपको जगह मिलेगा, वहां पे कर दो 42 − 30. हाउ मच, 12. योर आंसर. तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मींस जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 करा है उसी के बेस पे ये है. और इसमें भी हम सबसे पहले ऑब्जर्व क्या करेंगे, विच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, इज दिस इज बिलोंग्स फ्रॉम बोर्ड मास और इज दिस इज बिलोंग्स फ्रॉम DMAS, दिस टर्म DMAS. You all know what is D stand for divide, M stand for multiply, A stand for addition, S stand for subtraction. ये मैंने recall करने के लिए आपको लिख दिया है. चलो, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, डिवाइड होगा. तो 9 से 45 को आप डिवाइड कर दो, कितने बार 5 टाइम में ये कट जाएगा. चलो, तो डिवाइड का काम खत्म, 5 × 3 + 5 − 15. माय डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तो फिर तो जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप भी बनाना स्टार्ट कर दोगे. ओके, नाउ जब हमारा एडिशन खत्म, डिवीजन खत्म हो गया, तो हमारा दूसरा स्टेप क्या कहता है, यस मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन में हमारा क्या, 5 × 3 बिकॉज 15 + rest ऑफ जो हमारा रेस्ट बचा हुआ, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. पहले डिवाइड का काम खत्म कर देंगे एक स्टेप में, वी कैन सॉल्व मल्टीप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा एडिशन और फोर्थ स्टेप में हमारा सबट्रैक्शन, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा. तो चलो, आप हमारा क्या हो गया यहाँ पे एडिशन, 15 + 5 = 20 − 15. नाउ 20 − 15, हाउ मच वी गेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 20 and 20 − 15, वी गॉट 5. ओके, दिस इज द टाइप 3. ये तीसरे तरह का प्रॉब्लम था, आप इसी तरह से इसको समझ लोगे, अपने नोटबुक पे उतार लो, इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम जो है वो आपका बन जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मींस टाइप 4 जो हमारा क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में इसको लिखना है, इट मींस ये हमारा जो चीज है, ये हमारा वर्ड में लिखा हुआ है, इसको हमको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, मतलब बोर्ड मास. या तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आपको शो करेगा कि आपको कैसे लिखना है, बोर्ड मास में लिखना है. तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर बनाओ. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 5 × 7 and 12. मीन्स कहने का मतलब है 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 और 2 के डिफरेंस से. तो जो आपने बोला उसी को लिख दो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में. तो 5 × डिफरेंस ऑफ, तो डिफरेंस, तो इसके लिए हमको स्मॉल ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि
एक काम को हमको करना है तो ये डिफरेंस जो हमारा वर्ड है तो वो तो पहले जब तक ब्रैकेट में इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, आप 7 minus 2, दिस इज योर आंसर 7। देखो अब यही चीज 5 multiplied by difference of 7 and 2, this is difference, this is difference, तो ये हमारा numerical expression हो। Now question number 5 is express the following numerical expression as what statement। अभी हमने what statement को numerical expression में बनाया, अब हमारे पास numerical expression है, इसको what statement में लिखने, तो देखो क्या दिया हुआ है। अभी देखो add 5 with the difference of add 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, add 5 with the difference of 7 and 3, add 5 by difference of 7 and 3, this is your what statement, ये हमारा numerical expression था, इसको हमने what statement में लिख दिया। अब अगर आप answer मिलाने के लिए जाओगे तो ये जरूरी नहीं है कि answer आपके इस according to इसके मिले, तो लेकिन आप जो चीज लिख रहे हो वो आपका सही होना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो 6 को भी 6 से रिलेटेड है और 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो आपका 4 और 5 से रिलेटेड है। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो तो आपका 6 बन जाएगा। तो मैं क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें हर तरह के हैं, आपके बोर्ड मार्क्स का भी यूज हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 में भी बोर्ड मार्क्स का यूज हुआ है, तो हम सीधे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं तो हमारा 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारा डीएमएस से रिलेटेड है या बोर्ड मास से रिलेटेड है। तो देख लो ब्रैकेट्स के यूज हुए तो ऑटोमेटिक ये बोर्ड मास से रिलेटेड हो गया, बोर्ड मास से रिलेटेड हो गया। तो आपका जब ब्रैकेट यूज हुआ है तो देखो कौन कौन सा ब्रैकेट यूज हुआ है, मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो चलो 52 minus 2 मल्टीप्लाई, अब स्मॉल ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखो हमारा कौन कौन सा ऑपरेशन है, डिवाइड है और सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 2 से 14 को डिवाइड किया तो हमने 7 आ गई है, कट गया। और फिर अब हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो इसका आंसर कितना आया, 7। 7 में से 5 माइनस हमने करा तो कितना आया हमारा, 2 आया। प्लस अब हमारा क्या है, फिर देखो मिडिल स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कौन सा ऑपरेशन है, ऑनली मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 times 35 मिडिल ब्रैकेट क्लोज। चलो अब हमारा जब स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया तो अब हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मिडिल ब्रैकेट हमको क्या कहता है, अब मिडिल ब्रैकेट का हमारा कौन कौन सा ऑपरेशन है वो देखो, 52 माइनस एज यूजुअल हमारा लिखेगा, पहले मल्टीप्लाई है फिर एडिशन है, तो 2 4 2 2 4 और प्लस 35 में 4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 39। अब हमारा कौन सा ऑपरेशन आएगा, एट लास्ट सब्ट्रैक्शन। तो 52 में से आप 39 को राउंड में जाकर के इस तरह से भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 2 में से 9 नहीं कटेगा तो क्या होगा, 1 कैरी करेगा, नहीं 1/10 कैरी करता है माय डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जब 10 आएगा इसके पास तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा क्योंकि ये 5 तो हमारा कम हो गया, तो 4 में से 3 जाए तो 1। नाउ आवर आंसर इज 30। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर, सो टुडे योर चैप्टर 2-4 ऑपरेशन इज एंडेड। सो माय डियर स्टूडेंट प्लीज वॉच ईच एंड एवरी सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉच द वीडियो सॉल्यूशन, देन यू डू योर एक्सरसाइज। सो माय डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।